नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निटर्स हूँ। आज मैं आपके सामने वीवो Y55L डिवाइस लेके आया हूँ। इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ और उसमें मैंने दिखाया है कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो प्लीज़ मेरे उस पुराने वीडियो को देखिए और आप चेक कीजिए कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। आइए अब हम इस जो वीवो Y55L है इसका डिटेल रिव्यू हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिवाइस है ये आपको वीवो LTE सपोर्टेड डिवाइस है, यानी जो कि आज के डेट में मार्केट में एक ट्रेंड हुआ पड़ा है जियो सिम। तो जियो सिम जो जिस प्लेटफॉर्म पे चल रही है उसके लिए एक तो 4G डिवाइस होनी चाहिए और साथ में वो वीवो LTE सपोर्टेड होनी चाहिए। तो ये जो डिवाइस है वीवो की Y55L ये आपको दोनों चीज़ को सपोर्ट करती है, यानी आपको 4G वीवो LTE इनेबल्ड ये स्मार्टफोन है। अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इस डिवाइस के ठीक पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो बैक कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल विद फ्लैश है और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का है। अगर हम बात करें इसके अंदर कितना रैम लगा है तो रैम इस डिवाइस के अंदर 2 GB का रैम है और इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको 16 GB की है, जिसको कि आप 128 GB तक बढ़ा सकते हो वाया मैक्रो एसडी कार्ड। इसमें इंटरनल इसमें आपको एक्सटर्नल मेमोरी लगाने के लिए ये देखिए यहाँ पे ऊपर के साइड में ये स्लॉट दिया हुआ है और इसमें सिम ट्रे एरिया यहाँ पे है जो कि इस डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर हम बात करें इसके स्क्रीन साइज की तो इसकी स्क्रीन साइज जो है वो आपको 5 इंच की है और इसके बॉक्स के पीछे एक और चीज मेंशन है कि इसकी जो स्क्रीन साइज जो है वो आपको 2.5D कर्व्ड भी है। तो ये भी है इस डिवाइस के अंदर। अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो ये जो डिवाइस है ये आपको 64-bit ओक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इसके अंदर लगा है। तो ये सारी चीज़ें तो इसके स्पेसिफिकेशंस की हो गई। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस की डिज़ाइन की। तो आप देख सकते हो कि इस डिवाइस के ठीक ऊपर 3.5mm ऑडियो जैक है। इस डिवाइस के ठीक नीचे आपको यहाँ पे स्पीकर है और ये आपको चार्जिंग पोर्ट एरिया है और साथ में आप इस डिवाइस के अंदर जो भी आपके ने पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं या फिर पिक्चर्स क्लिक किए हैं उनको आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इस डेटा को आप सिंक कर सकते हो। अगर हम बात करें इस डिवाइस के राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर की विद पावर बटन आप देख सकते हैं। पीछे के साइड से ये डिवाइस काफ़ी प्रीमियम लग रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वीवो की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पे आपको वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यहाँ मेंशन है। तो पीछे के साइड से भी ये डिवाइस काफ़ी अच्छी लगी है। तो दोस्तों ये आपको ओवरऑल इसकी डिजाइनिंग और स्पेसिफिकेशंस की बात हुई। अब हम चलते हैं चेक करते हैं कि इस डिवाइस के अंदर और क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो इस डिवाइस के ठीक ऊपर यहाँ पे आपको स्टॉक्ड ऐप्स हैं जैसे कि आई मैनेजर है और लॉक है और उसके अलावा व्हाट्सएप, WPS ऑफिस, ईजी शेयर, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग के अंदर चलते हैं और चेक करते हैं क्या क्या है। तो आप देखिए हम सेटिंग के अंदर हैं। सेटिंग के अंदर आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ऑफलाइन मोड है, वाईफाई है, पर्सनल हॉटस्पॉट है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस है, आपको गूगल लोकेशन, स्मार्ट मोशन, वाईफाई डिस्प्ले, स्मार्ट मल्टी स्क्रीन, 1 हैंडेड सुपर स्क्रीन शॉट और स्मार्ट क्लिक, ये सारी चीज़ें। तो पहले हम मोड सेटिंग के अंदर चेक करते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए हम मोड सेटिंग के अंदर है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो डिवाइस है ये आपको OTG इनेबल डिवाइस है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि OTG अभी ऑफ है, ठीक है। तो जब आप एक्स्ट्रा OTG डिवाइस लगाओगे तो आपको यहाँ से आके इसको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक, यहाँ से तो आपकी OTG इस पे चलेगी। अगर हम बात करें स्टोरेज की तो ये देखिए जो अभी मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज 16 GB का है जो कि अभी अवेलेबल 7.85 GB है और इसमें आप एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन है और इसके ठीक नीचे OTG है यानी माउंट OTG। तो ये इसके अंदर आप एक्सटर्नल SD कार्ड या फिर माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, साथ में आप OTG ड्राइव भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। ये चीज़ तो हो गई इंटरनल स्टोरेज की। अगर हम बात करें इसके अलग अलग फीचर्स की तो आप देख सकते हैं ये जो नीचे का जो एरिया है ये आपको इस डिवाइस के स्मार्ट फीचर्स से रिलेटेड, जैसे कि स्मार्ट मोशन जिसमें कि आपको स्मार्ट वेक है, एयर ऑपरेशन है, स्मार्ट कॉल है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्मार्ट मोशन के अंदर है। अगर देखें तो वाईफाई डिस्प्ले भी है, इसके अलावा स्मार्ट मल्टी स्क्रीन भी है। आप देख सकते हो कि आराम से एक स्क्रीन के मतलब ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन में आप दो दो ऐप पे एक साथ काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ से स्मार्ट मल्टी स्क्रीन को ऑन करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसमें स्क्रीनशॉट की तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्क्रीनशॉट जो है ये आपको सुपर स्क्रीनशॉट के नेम से है और इतने सारे इसमें ऑप्शंस हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का, जैसे कि आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट है, पैटर्न स्क्रीनशॉट है, लैसो है, डूडल है,
स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है और रेक्टेंगुलर, मतलब कि जिस शेप साइज या फिर आपको अगर पूरी की पूरी पेज की, जैसे कि कोई भी हम वेब पेज ओपन करते हैं उसमें ऊपर से नीचे तक पूरे का पूरे पेज का स्क्रीन शॉट लेना है, तो आप लॉन्ग स्क्रीन शॉट यूज करोगे। किसी एक पर्टिकुलर अगर छोटे से एरिया को आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप इसमें से जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो आप ले सकते हो, अलग अलग है, आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट्स लेने के। यहाँ पे ये देखिए हैंड ड्राइंग पैटर्न स्क्रीन शॉट लैशो, ये देखिए ये वही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई भी एक एरिया, अगर आपको स्क्वायर में रेक्टेंगल में कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, एक छोटा सा एरिया अगर आप कहीं आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो वो भी आप इसके थ्रू आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको स्मार्ट क्लिक है, सुपर स्क्रीनशॉट में बता चुका हूँ, तो ये सारे फंक्शन हैं जो इसके सेटिंग्स के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आई मैनेजर है, ये आई मैनेजर भी एक काफ़ी अच्छा इसके अंदर प्रीलोडेड ऐप है। इसमें जैसे कि आप फोन की जो भी जंक मेमोरी है, आप देखिए यहाँ पे मैं फोन क्लीन कर रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पे जंक क्लीन हो रहे हैं, ये देखिए आपके सामने। और यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे दिया है क्लीन अप टू 11.62 MB, मैं यहाँ से आराम से एक पे टैप पे क्लीन करूंगा और ये पूरी की पूरी ये देखिए ये टोटल क्लियर हो गई, डन। इसके अलावा आप डेटा मॉनिटर भी यहाँ से कर सकते हो, ऐप मैनेज भी यहाँ से कर सकते हो, ऐप मैनेजर भी यहाँ अवेलेबल है, पावर मैनेजर भी है, यानी अगर आपके कहीं आप ऑन द गो हो और जो बैटरी है वो कम हो रही है तो आप पावर मैनेजर के अंदर जाके आप देख सकते हैं। इतने सारे इसके अंदर मोड हैं, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस है, नॉर्मल है, स्मार्ट पावर सेविंग है, सुपर सेवर है, रैंक है और एक्सेसिव बैकग्राउंड बैटरी यूजेज, ये सारे मोड्स हैं, तो आप इससे ये भी कर सकते हैं। प्रीवीसी भी है इसके अंदर, तो यहाँ पे आप पैटर्न सेट करो और फिर जिस जिस ऐप के ऊपर आपको आप प्रीवीसी लगानी है वो कर सकते हो। रिजेक्शन भी है, जैसे कि कोई भी मैसेज को रिजेक्ट करना है या फिर उस मैसेज या कॉल को रिजेक्ट करना है तो वो सारी चीज आप यहाँ रिजेक्शन से कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इसके, ये देखिए गूगल के अंदर, ये इसके अंदर स्टॉप गूगल ऐप हैं ये सारे। और अब हम कैमरा की बात करते हैं तो इस डिवाइस के अंदर जो इसका जो बैक कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का है विद फ्लैश, और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का है। तो सबसे पहले ये देखिए इसमें जो मोड्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो मोड है वो आपको HDR मोड है, पैनोरोमा है, नाइट है, फुल HD डिस्प्ले है, PPT है, प्रोफेशनल है, स्लो है और फास्ट, ये सारे आपको 8 आपको मोड हैं। इसके अलावा नीचे देखिए ये भी अलग अलग फंक्शंस है, जैसे कि वॉइस शटर है, टच कैप्चर है, पाम है, टाइमर है, साउंड्स है, वीडियो साइज है, वीडियो साइज आप देख सकते हो, फुल HD भी आप वीडियो बना सकते हो, ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें फिल्टर की तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे फिल्टर हैं, इसमें आप चाहो तो जो भी पर्टिकुलर फोटो है उसके ऊपर आप वाटर मार्क भी कर सकते हो, जो भी आपको डेट टाइम लोकेशन, ये देखिए ये सारे वाटर मार्क हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने किसी ट्रिप पे गए हो और आपको वहाँ पे वाटर मार्क करना है, यानी आपको लोकेशन भी दिखाना है और या डेट और टाइम भी दिखाना है, तो वो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। वाटर मार्क के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं टाइम है, ट्रेवल, ये सारे अलग अलग वाटर मार्क हैं। तो ये काफ़ी एक अलग तरह का फीचर है जो कि कैमरे के अंदर ये फीचर है जो कि आपको वीवो Y55L के अंदर है। और इसके थ्रू मैंने जितने बहुत सारे इमेजेस लिए हैं मैं आपको वो इमेजेस में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। और इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं सारी जो इमेजेस है काफ़ी अच्छी है इस फोन की। और एक और अच्छा फीचर है, आपको फोटो के लिए आपको स्क्रीन रोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे ही यहीं से आप रोटेट कर सकते हो, ये देखिए जैसे मैंने किया, जितनी भी इमेजेस हैं काफ़ी अच्छी हैं। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा इमेज लिया हूँ, मैं एल्बम में अब हम चलते हैं चेक करते हैं। अब देखिए जैसे कि ये इमेज आप देखो, इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है ये। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे 1947, तो ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा आया है फोटो। तो फोटो के मामले में ये इसको मैं मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर हम बात करें सेल्फी की तो आप देख सकते हैं सेल्फी भी काफ़ी अच्छी आई है इसके फ्रंट कैमरे से, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बैक करते हैं,
इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो वीडियो क्वालिटी की, तो ये देखिए एक वीडियो क्वालिटी ये है, ये देखिए ये स्लो मोशन वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसमें आ रहा है। और अगर हम बात करें इसके अलग दूसरे वीडियोज की, तो वो भी मैं आपको मैं दिखाना चाहूंगा, बट आप तब तक ये इस इमेज को आप देखो, ये इमेज भी काफी अच्छी है अपने आप में। ये देखिए जो इसकी जो वीडियो है, ये देखिए ये काफी अच्छी इसकी वीडियो आई है, इसको आप देख सकते हो, ये देखिए काफी अच्छी वीडियो की क्वालिटी है। तो ओवरऑल जो वीडियो भी है इस फोन से काफी अच्छा इमेज थ्रो करता है उसके अंदर से। और इसकी जो एक एक फोटो, ये देखिए फोटो इसकी जो आप डिटेलिंग आप देखोगे, ये काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं डिटेलिंग काफी अच्छी और काफी डेप्थ है इसकी भी, आपको देख सकते हो इमेजिंग काफी अच्छी और डेप्थ में है। तो ओवरऑल दोस्तों जो वीवो Y55L का जो कैमरा फ्रंट और बैक मुझे काफी अच्छा लगा, और ओवरऑल ये मुझे डिवाइस अच्छी लगी। और इसके जो मुझे पॉजिटिव फीचर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तीन चार फीचर्स है, जैसे कि ये जो डिवाइस है 4G इनेबल्ड डिवाइस है, और साथ में ये आपको WLTE सपोर्टेड डिवाइस है, ये दो तो बढ़िया फीचर है। उसके अलावा इसमें जो स्क्रीन फ्लैश है, अगर लो लाइट में आप इसके इसके फ्रंट कैमरे से कोई सेल्फी ले रहे हो, तो उस जगह आपको फ्लैश ऑन होगा, तो वो आपको स्क्रीन फ्लैश है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, काफी कॉम्पैक्ट है, काफी अच्छी इसकी डिजाइनिंग है, तो ओवरऑल ये डिवाइस मुझे काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों ये मेरा आपको वीवो Y55L का डिटेल रिव्यू था, शायद होप आपको ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा जो चैनल टेक्निटर है, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊंगा, तब तक के लिए शायनोरा, टेक केयर, थैंक यू।